नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की समाजशास्त्र की कक्षा में आज हमारा विषय है, सेकंड पेपर में हम पढ़ाई करेंगे ग्रामीण और कृषक समाज। इस पर चर्चा करेंगे आज आपके साथ। समाज को अगर अपन देखें अभी तक के समाज के इतिहास से, तो शुरुआत होती आदिम समाज की, जिसमें लोगों का जीवन प्राकृतिक जीवन था, जिसको कुछ लोग नेचुरल या वाइल्ड सोसाइटी के नाम से जानते हैं। फिर विकास के क्रम में आदिम समाज जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, वो विकसित होकर ग्रामीण समाज में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम ग्रामीण समाज कहते हैं, रूरल सोसाइटी। इसको कृषक समाज भी कहा जाता है, पीसेंट सोसाइटी। विकास के बढ़ते चरण निरंतर चलते गए और कृषक समाज या ग्रामीण समाज कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया नगरी समाज, अर्बन सोसाइटी, जिसे औद्योगिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः देखा जाए तो आज वर्तमान में मनुष्य दो प्रकार के पर्यावरण में निवास कर रहा है, एक ग्रामीण परिवेश है पर्यावरण और एक नगरी पर्यावरण। दोनों का जीवन पूरी तरह अलग अलग है। ग्रामीण परिपेक्ष अलग हो जाता है, नगरी अलग हो जाता है। भारत की तो पहचान ही गाँव के राष्ट्र के रूप में की जाती है। कृषि हमारी धरोहर है। 70% से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण और कृषक समाज के रूप में है। और उसी में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जितना भी अध्ययन हुआ है समाज का, वो अधिकतर कृषि कृषक समाज, कृषि संरचना, ग्रामीण संरचना, ग्रामीण उपागमों का अध्ययन हुआ है। अब आप देखेंगे इसमें ग्रामीण समाज क्या है। वास्तव में समाज का सप्त भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ग्रामीण समाज समाज का एक विस्तृत स्वरूप है। हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही गांव जो है, विलेज, एक आधारभूत इकाई के रूप में विद्वान रहा है। पौराणिक ग्रंथ भी, हमारे जो कहानियाँ भी हैं, वो गांव की विशेषताओं का वर्णन मिलता है। साहित्यकारों, कवियों ने भी गांव का विवेचन खूब किया है। ईसा से भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने ऋग्वेद के अनुसार समाज का विकास जो है क्रमिक संख्याओं के रूप में हुआ। प्रारंभ में एक समूह था जिसे आदिम कहा जाता था, जो बाद में ग्राम में परिवर्तित हो गया। महाभारत से भी हमें ग्राम अंतर्ग्राम संगठन की जानकारी मिलती है। उसमें भी कहा गया कि गांव जो है, ग्राम जो है, प्रशासन की एक मुख्य इकाई था, मेन यूनिट था। इसका मुखिया ग्रामीणी होता था और उसके नेता और मुख्य वक्ता के रूप में काम करता था। ईसा पूर्व 200 से 2000 ईस्वी पूर्व भी गांव के संबंध में हमको काफ़ी जानकारियां मिली, जिसमें कहा जाता था कि गांव में तीन प्रकार की बस्तियां थीं, एक ग्राम होता था, एक पुरा होता था और एक नगर होता था। यहां ग्रामीण समाज की एक आधारभूत इकाई थी, जिसमें कार्यकर्ता और उनका अपना एक संगठन होता था। धीरे धीरे विकास होता गया, गाँव हमारे यहाँ कम होते गए, शहर बढ़ते गए, लेकिन आज भी देखा जाए तो भारत में लगभग जो 2011 की जनगणना उसके अनुसार 6,40,000 गांव हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में 52,117 गांव हैं। इसलिए हम कहेंगे गांव में ही ग्रामीण समाज है। ग्रामीण समाज की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, ये प्रकृति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं, इनके बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं नेचर के साथ। इनका आकार छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। इनका मुख्य धंधा जो है ग्रामीण समाज का, कृषि है। मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर। छोटा आकार होता है, जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या में यहाँ विविधता नहीं होती, समानता होती, सिमिलरिटी होती है। सामाजिक विभाजन, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा है जाति सोपान के अंतर्गत। सामाजिक अंतर प्रक्रिया, सोशल इंट्रैक्शन यहाँ बहुत होता है। सामाजिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी है ग्रामीण समाज में, सामाजिक रूप से अनस्टेबिलिटी है, सामाजिक अस्थिरता है। ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। प्रकृति के साथ देखिए, किसान जो है एक नागरिक की अपेक्षा काफी मात्रा में, सामान्य नागरिक की तुलना में किसान प्रकृति, भूमि और जीव जंतु से डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, उनके साथ उसका सीधा सीधा संबंध रहता है। गाँव में हर चीज, रीति रिवाज भी, लॉर्ड नाम के एक विद्वान उन्होंने कहा कि गाँव में किसान ग्रामीण रीति रिवाज जो तौर तरीके हैं, वो प्रकृति से का सामना करके विकसित हुए। यहाँ का मुख्य धंधा जो है जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। नेल्सन ने कहा था कृषि ही संपूर्ण परिवार का धंधा होती है।
ग्रामीण परिवारों की उन्नति और महत्व उनके कृषि कार्य के सहयोग पर ही निर्भर करता है। पूरे के पूरे लगभग 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 99% जनसंख्या कृषि कार्य में गांव में संलग्न है। इसका आकार छोटा होता है, इसमें कहते हैं छोटा समुदाय है और ग्रामीण समुदाय। तो छोटा समुदाय लिटिल कम्युनिटी और ग्रामीण समुदाय दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने तो ग्रामीण समुदाय इनके छोटे आकार के कारण ही छोटा समुदाय कहा था। जनसंख्या चूंकि आकार कम होता है तो जनसंख्या भी कम होती है। जनसंख्या में समानता होती, समरूपता होती, सब खेती किसानी करने वाले होते हैं, एक ही धर्म एक ही वर्ग के लोग रहते हैं। सामाजिक विभाजन एक सरल समाज है, यहाँ सामाजिक विभाजन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कई विभागों में समाज नहीं बटा है, जाति के आधार पर बटा है, पर बाकी चीज़ों में आप देखेंगे सामाजिक रूप से यहाँ विभाजन नहीं है। अस्थिरता है, ग्रामीण समाज नगरीय समाज की तुलना में ज़्यादा अस्थिरता की बात करें तो नगर में जैसे अस्थिरता फैलती है वैसी ग्रामीण समाज में नहीं है। अब इसके अलग अलग अध्ययन हमारे यहाँ भारतीय समाज में जितने भी समाज के अध्ययन हुए हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सबने कहा है ग्रामीण समाज एक सरल जीवन है, यहाँ समता होती है। डॉक्टर एस सी दुबे का भारतीय गांव नाम की किताब बहुत विख्यात है जिसमें उन्होंने ग्रामीण संरचना की चर्चा की है। विजयराज चौहान, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेतेई सभी ने अलग अलग गांव की विवेचना की है और यहाँ पे उन्होंने बताया कि पूरे का पूरा परिवार उत्पादन की इकाई होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है, और ये आपस में मिलकर अपनी आजीविका जीविकोपार्जन चलाते हैं। यहाँ पारिवारिक नियंत्रण होता है, परिवार के बाहर नहीं होने के कारण यहाँ बाह्य संस्थाएं और समितियाँ नहीं होती, इंटरनल व्यवस्था चलती है। गाँव में आज भी ग्रामीण समाज में चार चार तीन चार पीढ़ियों के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, संयुक्त परिवार का चलन है, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, सामान्य रूप से ग्रामीण जीवन में प्रथा परंपरा रीति रिवाज से ही संचालन होता है। धर्म बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसका एक प्रमुख आधार यहाँ पे जाति भेद भी है, ऊंच नीच के आधार पर संगठित श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था जाति संगठन की विशेषता है। ग्रामीण समाज जो है वास्तव में एक स्थायी है, इसमें ज़्यादा गतिशीलता नहीं है, यहाँ उत्पादन के अपर्याप्त साधन है, शिक्षा के साधन नहीं है, स्वास्थ्य के साधन नहीं है, है अब तो धीरे धीरे विकास के क्रम में हर गांव में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन आज़ादी के करीब 40-45 साल तक गांव में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, शैक्षणिक संस्थाएं नहीं थी। अभी भी गाँव में अगर आप देखें तो डिग्री कॉलेज मिल जाता है, लेकिन टेक्निकल कॉलेज, पारंपरिक कॉलेज तो है डिग्री, लेकिन टेक्निकल नहीं। ये ग्रामीण समाज है, बहुत सरल होता है, साधारण होता है। ग्रामीण समाज के साथ एक और हम अध्ययन करेंगे जो कहलाता है कृषक समाज, पीसेंट सोसाइटी। इसका निर्माण विविध समुदायों से होता है, ग्रामीण समाज जो है विविध समुदायों से मिलकर बनता है, जिसमें कृषक समाज एक महत्वपूर्ण समुदाय, एक मेन, ये लघु स्तरीय सामाजिक संगठन है। इसकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था होती है जिसे अन्य समाजों से पृथक कर देती है। कृषक समाज से हमारा आशय एक ऐसे समाज से है जिसके सदस्यों की आजीविका का साधन जो है एग्रीकल्चर या कृषि होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने सबसे पहले कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की थी, एक समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड उन्होंने की थी। उनका कहना था ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य, आंतरिक इंटरनल और बाह्य आउटर संरचना को ज्ञात करने का उन्होंने प्रयास किया था अपने अध्ययन में, और बताया कि कृषक समाज भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में, लेकिन हर देश में समग्र रूप से कृषक समाज ऐसा है, मतलब सेम है ये नहीं कह सकते। जिन समाजों में कृषकों की संख्या अधिक होती है वहां गैर कृषि कार्यों को करने वाले लोग भी होते हैं, दोनों की प्रकृति और भूमिका भी अलग अलग होती है। भारत में भी एक कृषि प्रधान राष्ट्र है भारत, इसलिए यहाँ के सभी समाज कृषक समाज नहीं माने जा सकते। संरचनात्मक दृष्टि से भी भारतीय ग्रामों में हमें कई भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक और समाजशास्त्री आंद्रे बेतेई, उनकी जो किताब ही है कास्ट क्लास एंड पावर जो श्रीपुरम गांव के अध्ययन पे है, उनका कहना था भारतीय समाज सामान्यतः ग्रामीण और नगरी समाज को विभाजित करता है, फिर ग्रामीण समाज जनजाति और गैर जनजाति समाज में बंटता है, और गैर जनजाति गाँव को मिलाकर भारतीय समाज का कृषक खंड निर्मित होता है। भारतीय समाज में दो हैं, एक नगरी समाज है, ग्रामीण, और ग्रामीण समाज बढ़ जाता है आपके जनजाति समाज और कृषक समाज में।
इसकी अवधारणा जो है कृषक समाज की, कंसेप्ट ऑफ पीसेंट सोसाइटी, ये ग्रामीण समाज का एक भाग है। इसलिए हमें पहले कृषक शब्द को हम जानने का प्रयास करेंगे, कृषक है क्या। चैम्बर्स 20th सेंचुरी ऑफ डिक्शनरी के अनुसार एक कृषक वह है जो एक ग्रामीण है, एक देहाती है, जिसका व्यवसाय ग्रामीण कम ग्रामीण क्रियाकलाप ग्रामीण काम है। कृषक वह है जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिक आते हैं। अर्थात ग्रामीण जीवन और श्रम जीवन के मध्य के संबंधी कृषक समाज है। ये बात जो है अन्य समाजों में उसको उतना उचित नहीं मान सकते, लेकिन एक कृषक का अर्थ निम्न आय समूह में आने वाले अशिक्षित व्यक्ति से लिया गया है जो कृषि कार्य में संलग्न होता है। एल क्रोवर ने कृषक समाज को आधा समाज कहा है, हाफ सोसाइटी, पार्ट सोसाइटी या हाफ सोसाइटी। इनका कहना है राष्ट्र जैसा बृहद समाज दो समुदायों से बना है, दो हिस्सों में। उसके पहले हिस्से में फसल उत्पादन करने वाला वर्ग जो गांव से आता है, ग्रामीण परिपेक्ष से आता है, उसे कृषक समाज कहते हैं। और दूसरा वर्ग जो है द्वितीय हिस्से में शहरी क्षेत्रों में रहने वाला उच्च वर्ग आता है। अर्थात फसल उत्पादन करने वाला वर्ग एल क्रोवर के अनुसार कृषक समाज है, इसीलिए इसको बोलने का एक पार्ट सोसाइटी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी कृषक समाज को आंशिक समाज ही बताया था। रॉबर्ट रेडफील्ड ये प्रथम मानव शास्त्री थे जिन्होंने अपने अध्ययन टोपोजालान में कृषक समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वो कहते थे वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं, कृषि करते हैं, जो उनके परंपरागत तरीकों से चलती है, कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, ये कृषक समाज है। अब यहाँ पे समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से कृषक समाज को विवेचित किया है, जिसको हम पहले रेडफील्ड कहता है भूमि को जोतकर प्लोइंग करके जीवन यापन करने वाला वर्ग जिसकी पूरी जीवनचर्या जीवन शैली किसानी हो, कृषक कहलाता है। आंद्रे बेते कहते हैं जो स्वयं की या किराए की, खुद की या किराए की भूमि को जोतता है, मितवही होता है, परिश्रमी होता है, सरल जीवन जीने वाला होता है, वो किसान है या कृषक है। थियोडोर शेनिन कहते हैं वह व्यक्ति जिसका खेत उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी संपत्ति होती है, कैपिटल होती है, सामाजिकरण मित्रता और कल्याण कार्य करता है। उसका खेत जो है सामाजिकरण भी करता है, मित्रता भी करता है उसके साथ, और कल्याणकारी कार्य करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से संस्कृति को हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, जिसका भूमि से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वो कृषक है। नॉर्वेक कहते हैं लघु उत्पादकों का वह समुदाय जो सिर्फ अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन प्रोडक्शन करता है, जिसमें व्यवसायिक विशेषीकरण का स्तर उच्च होता है। एरिफ वुल कहते हैं जो जमीन से जुड़ा है और उसे नियंत्रित करता है, जिसकी अपनी परंपरागत संस्कृति होती है, ट्रेडिशनल कल्चर होता है, वो कृषक होता है। आंद्रे बेती ने तो यहां तक कहा है कि एक कृषक के लिए भूमि ही उसका श्रम है। यह आवश्यक नहीं कि एक कृषक के लिए भूमि हो, वो किराए की भूमि भी, खुद की अगर भूमि का स्वामी तो खुद भी किराए करेगा या किराए की जमीन लेके कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो कृषक है, जो खेती का काम करता है वो कृषक है। बेते के अनुसार कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहता है, लेकिन यह वर्ग भूमि पर किसी प्रकार का श्रम नहीं करता। तो ये अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने अपने हिसाब से बात की है, लेकिन ओवरऑल जो है सबका कहना यह है कृषक समाज वह है जो जीवन यापन जिसकी दिनचर्या जिसकी संस्कृति पूरी तरह से खेती पर निर्भर करती है। आंद्रे बेते ने तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके बताया था कि यहाँ पर 349 परिवारों में सभी जाति वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत हैं, ये खेती नहीं करते। यहाँ संपूर्ण कृषि वर्ग जो है काश्तकार वर्ग है, जिसमें भूमिहीन श्रमिकों की सहायता ली जाती है। ब्राह्मण और क्षत्रियों की भूमि होती है, वो खेती नहीं करते, लेकिन बाकी उनसे किराए पे लेके करते हैं। ये अलग अलग प्रकार से बात हुई है। समाजशास्त्री क्रोवर, फास्टर, नेरबॉक, शेनिन, रेडफील्ड, आंद्रे बेते, श्यामचरण दुबे ने कृषि समाज का स्वभाव बताया, जिससे उसकी हम विशेषताओं को जान सकते हैं। नगरों की तरह कृषक समाज का भी एक लंबा इतिहास है। कृषक समाज में व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित सामाजिक प्रणाली प्रचलित है।
इनमें निकट के संबंध होते हैं, बहुत क्लोज संबंध होते हैं। ये गांव के बाहर के लोगों से निजी संबंध रखते हैं। कृषक समाज के लिए कृषि का महत्व लाभ का धंधा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, बल्कि आजीविका का माध्यम है। कृषक की पहली चिंता है निर्वाह के लिए उत्पादन है, कि जीवन निर्वाह चले हमारा, वो उत्पादन इतना ही करता है। खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं का उपभोग स्वयं ही कर लेते हैं, जितना उगाते हैं उतना उपयोग कर लेते हैं, और अपनी फसल का कुछ हिस्सा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में बेचते हैं। कृषक समाज पुरानी प्रौद्योगिकी और न्यूनतम लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर आधारित है। इसमें कृषक समाज में बचत की जगह खर्च की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक उत्सव, धार्मिक समारोह, वैवाहिक अवसर में काफी खुल के खर्च करते हैं। कृषक समाज का नगरी केंद्रों से संबंध बना रहता है। ये विनिमय उद्योग जो विनिमय एक्सचेंज करने वाले हैं खाद्यान्न सीमित मात्रा में पैदा करते हैं, जो कस्बों और शहरों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जैसे दूध, सब्जी, ये रोज प्रतिदिन हम देखेंगे गांव से ही आती है। कृषक समाज को भी देखिए कैसे बांटा गया, स्मॉल फार्मर, लघु कृषक, सीमांत मार्जिनाइल फार्मर, कृषक मजदूर, पीसेंट लेबर। लघु कृषक वो जिसके पास एक हेक्टेयर से अधिक और दो हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उसको लघु कृषक कहते हैं। सीमांत कृषक जिसके पास एक हेक्टेयर भी भूमि नहीं होती। कृषक मजदूर वे किसान जो दूसरों के खेतों में कृषि कार्य करके, दूसरों के खेतों में एग्रीकल्चर कार्य करके जीवन यापन करते हैं, ये कहलाते हैं। इनकी जो अगर हम देखे जाए आर्थिक संरचना, तो ये जीविकोपार्जन के प्रमुख साधन हैं। 10,000 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है मानव ने खेती प्रारंभ की थी, और आज आधुनिक तकनीक द्वारा विकसित उन्नत औजारों से खेती की जा रही है। देखिए कितना बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सभी जगह, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 8% कृषक जनसंख्या पूरे देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन करती है। भारत में भी यही हाल है कि भारत में पूरे देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो 70% से अधिक आबादी कर रही है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कृषक समाज में दरिद्रीकरण बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 97-98 में 26% था, 2004-5 में वो 29% हो गया, और 2013-14 में वो घटके 13.68% रह गया। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी देश जितना उन्नत होता है वहाँ पे कृषि का भाग उतना कम होता है, लेकिन अभी जो हुआ है कृषि के कारण ही भारत जो है कोरोना से फाइट कर पाया। हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन बांटा, और अभी नवंबर तक उनको खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होने देगी सरकार। नवंबर तक, अब सोचिए मार्च से शुरुआत होने के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक लंबी अवधि मुफ्त भोजन 80 करोड़ से अधिक लोगों को दे रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कि जो रीढ़ तो कृषि है, लेकिन उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई। इसके मूल कारण क्या है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक मानसूनी जुआ है, गैम्बल है, ये गैम्बल है, मानसूनी जुआ है, क्योंकि देश का 44% भाग सिंचित है और 56% मानसून के भरोसे, बारिश हो गई खेती हो जाएगी। इसलिए आज भी देखते हैं हम कि भारत का कृषक जो है कर्जे में, ऋण में जन्म लेता है, उसी हालात में समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे, हमने आज कृषक समाज और ग्रामीण समाज पे जानकारी ली। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामीण परिवार।